Studios. I am Arshia. I am Sandy. And today we are making a vlog plus how to make video recipe. And guys, we thought to make a recipe. Then हमने थोड़ा सा start कर दिया. फिर हमें बाद में याद आया कि भी हमें shoot करना था recipe. And guys ये marker लगा हुआ है. And तो अभी guys हम white sauce pasta बनाए. खुद हम पूरा बनाते हैं. हम पूरा खुद बनाते हैं. मतलब हम नहीं हमें cooking करने का इतना शौक सा चढ़ गया है lockdown में. लेते और आज हमारे जो भैया फूफू की एनिवर्सरी है तो हमारे मम्मा पापा तो वहाँ जा रहे हैं हाँ, और हम उनको एक शॉर्ट वीडियो बना के भी भेजेंगे हैप्पी एनिवर्सरी हमारे मम्मा पापा तो जा रहे हैं तो हम अकेले होंगे हम बच्चे दादू दादी के साथ मजा आता है हाँ बहुत मजा आता है क्योंकि जब हम खुद कुछ करते रहते हैं दादू दादी तो किसी चीज़ के लिए ऐसे मना नहीं करते बड़े कर देते हैं वरना मम्मा पापा तो फिर अभी हमने क्या किया है गाइस हमने सिर्फ उसको पास्ता को उबाल प्लस रेसिपी बना रहे हैं तो हम आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे देंगे कि आप पास्ता कैसे जैसे हमने आपको मतलब नूडल्स लाइक मेजरमेंट्स नूडल्स में हमने तब भी इतना परफेक्ट नहीं लिया था अभी हम प्रॉपर रेसिपी बना रहे हैं तो गाइस अभी मैं आपको बता रही हूं और गाइस और गाइस और गाइस और गाइस आप हमारी फोन केस वाली जो वीडियो थी हाउ वी कस्टमाइज दादी फोन केस उस पर आप कमेंट जरूर करना कि आपको हमारा कैसा लगा और क्या आप चाहते हो कि हम ऐसे और भी बनाए तो हम सोचेंगे भी कि आप कस्टमाइज करें तो गाइस हमने अभी बॉइलिंग के लिए सबसे पहले वी नीड टू बॉइल वाटर एक बड़ा सा हैवी बॉटम पैन में हमने मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे आइडिया है अराउंड 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है उसको हमने अच्छे से बॉयल कर दिया उसके बाद हमने क्वार्टर टेबल स्पून मतलब जो नॉर्मल वाली खाने वाली स्पून होती है बस हम उसी से मेजर कर रहे हैं तो हमने सॉल्ट डाला है और हाफ टेबल स्पून के अराउंड हमने ऑयल डाला ताकि पास्ता स्टिक ना हो गाइस ऑयल ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना वरना स्टिक हो जाएगा बिना उसके भी होएगा और ज़्यादा ऑयल में भी होएगा सो कोई भी नॉर्मल ऑलिव ऑयल वगैरह रिफाइन जो भी आप यूज करते हैं एंड देन जब वो उसमें अच्छे से बॉयल हो गया तो हमने 400 ग्राम पास्ता डाला है हमारे पास 500 ग्राम का पैकेट तो हमने था 400 ग्राम डाला उसमें से गाइस हमने अराउंड एक कटोरी बचा लिया है एक मीडियम साइज्ड बोल और गाइस ये देखो आप पहले मरिंडा से मिलो हेलो गाइस मैं हूं मरिंडा एंड गाइस अभी हमने उसको मीडियम फ्लेम पे ही रखा है एंड अराउंड 5 मिनट्स हो गए 4 to 5 आई थिंक एंड तब तक गाइस हमें अपनी वेजिटेबल्स को भी सौते करना है एंड दिक्कत ये है कि सांदी की है क्लास 7 to 8 जैसे मैं नूडल्स में थी वो है हमारी सब्जी आ गई हाँ मम्मा आ रहे हमारी सब्जी आ गई जो कि हमने पास्ते के लिए मंगवाई थी पास्ते हमने गाइस बेल पेपर्स वी नीड बेल पेपर्स एंड अनियन मशरूम टमेटो गाइस शायद है हमें देखना पड़ेगा और टोमेटोज हम शायद डालते भी नहीं शायद एंड याद नहीं मुझे बहुत दिनों से नहीं डालते वही शायद टोमेटो तो नहीं डालते बेल पेपर्स एंड गाइस हमारे पास आज मशरूम भी है कुछ भी हो रही है यहां पे आपको पता है यहां पे कैसे कुछ हम शायद कैरेट भी डालते हैं हां डालते हैं थोड़ा सा कैरेट तो रहता ही है घर में विंटर्स में और मशरूम बेल पेपर्स कैप्सिकम और गाइस अगर आप सिर्फ आप कॉर्न्स भी डाल सकते हो आप सिर्फ मशरूम पास्ता भी खा सकते हो जिसमें लोगों को जैसे मशरूम इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो सिर्फ मशरूम का तो गाइस अभी हमने 1 पैकेट मशरूम लिया अगर आपको सिर्फ मशरूम खाना है तो आपको एटलीस्ट 3 तो लेने ही पड़ेंगे एंड देन यू नीड टू चॉप इट यस सो गाइस अभी हम आपको इतनी लंबी वीडियो हो गई फिर ट्रांसफर भी होगा ना फिर अभी हम आपको किचन में जाके सब कुछ दिखाते हैं हाँ शायद हमारा पास्ता भी बॉईल होने वाला होगा सो गाइस ये पास्ता बॉईल हो रहा है 5 मिनट्स तो इसको हो गए देखो मीडियम हीट पे ही हमने लगाया और गाइस ये रहा हमारा ये मेरा स्पून था तो मैं इसे थोड़ा सा चेक करूंगी भी दिखा दो 1 मिनट शांति 1 सेकंड आई थिंक नहीं हुआ 1 मिनट पकड़ना आईपैड कभी आईपैड इसमें डूबे दादी छोटा सा काम चल रहा है दादी देखो जब आप इसको ऐसे करोगे आप इसको थोड़ा सा हाथ लगाओगे अगर आपको हार्ड सा लगेगा तो पक्का कच्चा ही है अरे दूसरा वे वो वाला वो तो अभी जब थोड़ा सा बॉइल होगा तब हो पाएगा तब तक हम अपनी चॉपिंग वगैरह शुरू करें देखो गाइस हमें क्लीन मशरूम्स मिल गए
सो गाइस एक मिनट में कैमरा बंद सेट कर सकती हूँ और सब करते हैं सेल्फी के मोड पे थोड़ा सा। यस गाइस एक मिनट रुकिए, कुछ छुप ना आ जाओ जी। सो गाइस ये जैसे तैसे किचन में तो ऐसे ही सेट होएगा, ऐसी सेट। ये हमारे पास वन मीडियम साइज्ड या एक कैप्सिकम इसके ऊपर कर दो मेरे ख्याल से। नहीं इसके ऊपर तो गिरेगा। हाँ ऐसे भी ठीक है वरना। ये गाइस अब ठीक है ना, ज्यादा बेटर हुआ ना। और ये मैं अभी आपको अभी कैप्सिकम दिखा दो क्या कैप्सिकम सबने रखी हुई है। आओ यार एक महीने को आ गया है आइडिया, बट वो हो नहीं पा रहा। ये येलो कैप्सिकम। हां गाइस इससे आपको स्लैब अच्छे से दिख रही है गाइस। हां ये देखो, ग्रीन को सारी जो वेजीज है पहले वॉश कर लेना प्लीज प्लीज। एंड गाइस ऑफ कोर्स वी विल नीड द ऑनियन। सो गाइस बहुत वो नहीं है, मीडियम से हल्का छोटा ही मान लो। और अगर आपके पास बिग बिग है तो आप वन बिग ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था 1 लीटर में हमने किया था, अराउंड 1 लीटर मैंने प्रॉपर मेजर मशरूम ब्लास्ट। कोई भी धोने या गिर गए तो हमें धोने हैं तो एक बार ना हाफ करके धो लेते हैं, वो अच्छे से अंदर तक हो जाएंगे। हाफ कर दो, एक मैं हाफ कर रही हूँ अर्शु, तुम बाकी सब का बताओ। तो गाइस तब तक हम ये भी अपनी टीमों जो है बेल पेपर्स और बेल पेपर वॉश करके आ जाओ तुम। वो तो ऐसे ही साफ नहीं करना। और मशरूम को गाइस हम थोड़े वाटर में अच्छे से सोक कर देंगे अच्छे से, ताकि वो मतलब अच्छे से ही वॉश हो जाए पूरे। और ये नॉर्मल तो अपने जो पैकेट होता है वॉश करने में कंजूसी नहीं। अर्शु पूरा 1 पैकेट कर दो ना चौ। हाँ क्योंकि हमें तो अच्छे भी लगते हैं। हाँ तो डाल ही दो अगर आप सिर्फ मशरूम खाते हो तो। गाइस एक बार हम लोगों ने सिर्फ मशरूम का बनाया था तो हमने तो 4 डाले थे। हाँ गाइस क्योंकि हम 4 बच्चे और हम चारों को इतना प्यार है। मशरूम की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। मैं देखती हूँ आई थिंक पास्ता बॉइल हो गया, मैंने हमारी जो निशानी है वो देखती हूँ। बता दो ना यार गाइस कुछ बता दो। हाँ तो गाइस सर तुम्हें इसमें कैमरा दिखाना पड़ेगा। नहीं दादी दादी नहीं अच्छा। सो गाइस कैमरा फिर से सेट हो गया एंड अभी पास्ता हो गया तो ठंडा, तो अभी इसको मैं इस पे रख देते हैं धो दो है ना। बस तो नॉर्मल स्ट्रेनर पे भी रख सकते हैं जो भी एक्सेस वाटर करो। गाइस हम आपको बोलेंगे कि ऐसे नॉर्मल से स्ट्रेनर ना रखे, वरना जो भी एक्सेस वाटर गिरेगा आपके स्लैब पे गिरेगा। ऐसे कोई भी एक बोल रख दे। हाँ बढ़िया हो गया गाइस हमारा पास्ता, बहुत देखो कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। कैसे दिखाऊं अपने आप को। हाँ ये देखो गाइस अभी मेरे को जाना पड़ेगा 2 मिनट में। हाँ तब तक हम लोग फटाफट से चॉपिंग कर लेते हैं। अश्व भाई ये कर दो ना। हाँ एक मिनट मशरूम की भी तो चॉपिंग करनी है तो गाइस मशरूम की मैं कर देती हूं। ठीक है एक मिनट। हाँ गाइस एक बार हम लोग थोड़ी सी चॉपिंग कर ले फिर हम आपको दिखाएंगे। हाँ So guys, around 15 minutes हो गए, हम सारी वेजेस कट गई हैं। ये हमारे पास एक स्मॉल बोल ऑफ कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम, मीडियम साइज बोल ऑफ टू काइंड ऑफ मीडियम साइज अनियन चॉप्ड। एंड गाइस इसको वाटर में थोड़ा सा सोक किया बिकॉज बहुत तेज है ये अनियन, बहुत ज़्यादा तेज है। और बिग बोल ऑफ मशरूम गाइस जो भी 1 पैकेट था ये इतना ही हुआ। एंड ये 400 ग्राम्स पास्ता है गाइस, और आप देख सकते हैं उस टाइम अच्छे से ऑफ कोर्स विजिबल नहीं होगा। ये देखो कितना खेला खेला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है सी। एंड गाइस शाम भी चली गई है अपनी क्लास के लिए, मुझे भी थोड़ा सा अपना काम है। सो शाम की क्लास अभी 8:10 तक ख़त्म होएगी और उसके बाद हम वेजीज को पहले अपना अच्छे से सॉर्ट करेंगे एंड देन हम पास्ता को करेंगे। सो गाइस अभी ये सब कुछ रेडी करा है।
गाइस कैरेट हम सोच रहे कि ना ही करें, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, हमने कभी करा नहीं तो हम कैरेट नहीं करेंगे। देखिए गाइस, इसलिए मैंने बोला था कि आप एक बोल चले क्योंकि शायद कैमरे में मिल नहीं होगा, पर जो एक्सेस वाटर था वो इसी में निकल गया। एंड गाइस पास्ता बनाने से पहले एक बार और इसको वॉश करेंगे तब बनाएंगे। एंड यस गाइस, तो अभी तो टाइम मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। सो गाइस अभी हो रहे हैं 7:05, सो अभी तो 1 आवर तो पूरा है। अराउंड मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करेंगे पास्ता बनाना जैसे शाम की क्लास खत्म होगी, बिकॉज यही हमारा डिनर है, तो डिनर भी करना है, तब तक भूख भी लग जाएगी। सो या विल मीट यू व्हेन वी विल मेक द पास्ता। सो गाइस 1 आवर हो गया है एंड सानू की भी क्लास ओवर हो गया है, हमने सब कुछ सेट कर लिया अपना पास्ता, ये जो मैंने आपको सारी वेजेस दिखा दी थी। सो गाइस वी नीड अ स्मॉल कढ़ाई और पैन जिसमें वेजेस करेंगे है ना, बिग जिसमें वन जिस पास्ता करनी है, और क्या ना चिली फ्लेक्स नीड होगा। यस गाइस, और ये खुद एंड गाइस चीज मैं आ गया हूं, हां चीज भी एंड गाइस ऑफ कोर्स मेरे को भी चाहिए होगा जो कि अभी हां गाइस मैं है नहीं। अरे गाइस एंड गाइस बटर और लो सबसे पहले लोएस्ट पे रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसमें अराउंड अ स्पून। हाँ अराउंड अ स्पून गाइस ऑयल ऐड किया, थोड़ा कम करोगे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लो बस इतना ही गाइस काफी है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी सबसे पहले गाइस अनियन डालेंगे, एक बोल हो सांदी जिससे हम हाँ एक मिनट में पकड़ती हूँ। ये लो अनियन से थोड़ा सा, ये तो स्ट्रेनर यूज कर लो, कभी वो चला जाए क्या कहते हैं, नहीं उससे तो पानी जाएगा सिर्फ वैसे तो। हाँ उस वॉश बेसिन में जो वहाँ सिंक में एक बार स्ट्रेन कर लो गाइस, एक मिनट दिखाते हैं। ये छोटू पता नहीं विम का काम कर रहे हैं आराम से, कभी सारी अनियन गिरती पड़ती दिखे, छोड़ो छोड़ो सारी अनियन गिरेगी, छोड़ो बहन बस सारा पानी निकल गया, वो आता है ता पानी निकला हम दे गलत क्या हो। चलो थोड़ा सा बिल्कुल गाइस अरे पानी क्या हुआ, पानी पानी ध्यान से स्टार्ट करना है। हां तो गाइस अब हीट को हम कर देंगे, अरे तो दिखा तो दो, मैं दिखाती हूं हीट को हम मीडियम पे करेंगे। अब क्या हुआ तू दूसरे जब कैप्स का। सो गाइस हम अराउंड अ मिनट मीडियम फ्लेम पे हल्का सा अनियन को कुक करेंगे, जूम करके दिखा दो अराउंड अ मिनट का मैगी हाफ, क्योंकि बाद में कुक होने या हल्का सा क्रंचीनेस रखेंगे क्योंकि पास्ता में जाके भी वो गाइस कुक हो जाता है। मैं थोड़ा सा फ्लेम धीरे कर देती हूं, ले हां अर्शु तुम चला लो। हां कुछ ज्यादा गर्म है मेरे को। चलो अब मैं आने से शादी में से कोई के क्योंकि हम ना सारे चाहते हैं कुकिंग करना, तो ये कैमरे की उस कुकर के ऊपर करके करे कुछ, अरे कुकर से तो हमारा पूरा आईपैड ही गंदा हो जाएगा। हमें थोड़ा सा अपर व्यू दिखाना है ना, ऐसे करके एक बार स्टोव का जैसे एक बार कर दो, ऐसे कर देते हैं चिपका देते हैं क्योंकि चिपक रहा है देखो, वो अभी एक मिनट में गिरता हुआ दिखेगा। हाँ मैं कुछ ऐसे चाहिए वहाँ पे, वहाँ के ऊपर रख के सेट करके देखे। आ गाइस तो किसी मेहनत मेहनत लगेगी इसमें, दिख रहा है कुछ मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ। हाँ इस तरह इसको कुछ और इसको ऑफ ऑन कौन करेगा, तो ऊपर चढ़ती क्योंकि मेरे तो हाइट नहीं, रखो एक मिनट यहां इसको पकड़े रखो, हो गया दब गया। आओ इसको ना बस ऐसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाली चीज है ना यहाँ पे, एक बार मैं ये वीडियो पॉज करो। हाँ यस गाइस अब ठीक हो गया। सो गाइस अब अभी मैंने मीडियम पे किया, मीडियम पे मिक्सचर रख के उसको थोड़ा कंटिन्यू स्टर करना, वरना वो नीचे से जल जाएगा। यस गाइस बनाओ नीचे से ना जला जला फिर हम। गाइस अभी अराउंड 10 मिनट्स हो गए और ये थोड़ा सा थिक हुआ है, और गाइस अगर आपको ये हवा दिख रही होगी तो आप देखिए अभी नहीं ऐसे दिख रही होगी। अर्शु उतना नहीं, मैं हैंड वॉश करती हूं, सीरियसली नीड अ हैंड वॉश गाइस देखो।
अगर आपकी मेहंदी ऐसे लंबी सा है तो इसी में ऐसे गोल डाल के उसको थोड़ा सा इसी में ऐसे मैश करके तो पूरा एक मिक्सर बन जाए ताकि गाइस जब ताकि जब पास्ता बने तो प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस मैं मेरे ऊपर कढ़ाई गिरने यार एक सो गाइस मैं बाहर एक बहुत बड़ा जोक करके आई हूँ। मतलब बिहार में एक सीरीज देखता है हाउ टू ट्रेन ड्रैगन रेस टू द एज। तो उसमें एक बंदा होता है हिकअप, उसका नाम होता है हिकअप। तो मैं उसको पूरा दिन हिचकी हिचकी करती रहती हूँ और देख रहा है हिचकी और हो गया हिचकी खत्म। अभी मेरे ऊपर कढ़ाई गिरने वाली थी कैसे वो एक देखो गाइस बॉयल आ रहा है इसका गुजारा हो रहा है मिक्स कर देना एक बार एक मिनट इसकी देखो गाइस अब देखो थोड़ा सा तिकोना स्टार्ट हुआ है ये उसको मैंने मैश कर दिया था। सो गाइस यस इस पॉइंट पे हम लोग फ्लेम को लोएस्ट कर देंगे लोएस्ट नॉट लो लोएस्ट जब ऐसे बॉईल आ जाएगा एड इन हार्ड एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं वीडियो बॉस की टीवी के बहुत ही बोल रही अब उसके बाद जब ये अभी जो मैं बोल रहा ना उसके बाद जब गाइस फ्लेम लो कर दी उसके बाद है ना ये यहीं से ना अब वी नीड टू ऐड इन आवर चिली मिक्स एंड ऑयल कैन देखो क्या लुक आ गया अभी बर्तन नहीं वीडियो बन गया सारा दो मिनट आपको लो फ्लेम पे पका के उसको फिर से अपनी फ्लेम को कर देना मीडियम मोड पे देना गाइस मीडियम फ्लेम पे भी पकाते हुए कुछ 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं एंड इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे सॉल्ट। आप एज पर योर टेस्ट डाल सकते हैं हम लोग अराउंड स्पून डाल रहे हैं क्योंकि गाइस एक्चुअली गाइस वेजीज में भी हमने सॉल्ट नहीं डाला वरना हम वीडियो बना पास्ता शक्ल दिखाऊं दादू दादू को पास्ता नहीं पसंद दादू को अगर आप दाल और आलू चीजें अच्छा मैं वीडियो पॉज कर दूं वो हां कर दे तो गाइस 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद देखो अच्छी सी सिकोटी आ गई अभी हमने फ्लेम टू द लोएस्ट कर दिया पर फिर भी ये थोड़ा बन रहा है थोड़ा हां अब गाइस 1 मिनट हम वीडियो पॉज करेंगे क्योंकि हमें अपनी वेजेस ट्रेन करनी है फिर से बोल मैंने अभी वीडियो ऑन किया है ठंडे पानी से एक बार रिंस कर लो ताकि सारी गर्माहट चली जाए और एक बार ये स्ट्रेनर उठाना सामने जो बास्केट में गर्म पानी है ना वो निकाल दो हल्का सा सिंक को अब्सॉर्ब करने दो देखने दो ना उनको दिख नहीं रहा देखो ऐसे ऐसे हल्का ये हमारे पास कोल्ड वाटर है पास्ता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं क्योंकि हमारा ऑयल का जो क्वांटिटी है एकदम परफेक्ट है थोड़ा सा कम डालोगे तो भी स्टिकी होएगा डालोगे भी तो स्टिकी होएगा ज्यादा डल जाएगा तब भी स्टिकी रहेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसको ऐसे अच्छे से हाफ मिनट और गाइस मैं तो कर दो हर जगह पे इसको वाटर कर देती हूं तो चलो कैमरा मैन रख दो कहीं पता चले गीला हो के खराब हो जाए चलो हो गया सामने हां सो गाइस अच्छे से सीख हो गया था हमने वेजिटेबल पास्ता ऐड कर दिया और उसके बाद बस 1 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है 1 to 2 मिनट पका लो और उसके बाद रेडी टू सर्व। सो गाइस पास्ता इज रेडी सी हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड कमेंट डाउन बिलो Also, don't forget to press the notification bell. Bye! Pero tú puesta pa' mí.